हाय गाइस, वेलकम बैक टू दिस चैनल। एंड इस वीडियो में हम जीवंती एक मेडिसिनल प्लांट आता है इसके बारे में डिस्कस करेंगे, जिसका लेटिन नेम है लेप्टाडेनिया रेटिकुलेटा, जिसकी फैमिली है एस्लेपिडेसी फैमिली, जो कि अर्क जो कुल है उसका एक मेंबर है। इसको हिंदी में बोलते हैं डोडी शाक, गुजराती में बोलते हैं राई डोडी या फिर नानी डोडी, इसको इंग्लिश में बोलते हैं कॉर्क स्वेलो वर्ट। इसका कौन सा पार्ट यूज़ होता है, तो यहाँ पे इसका मूल और जो पत्ते रहते हैं इसका यूज़ होता है। देन डोजेज की बात करें तो अगर पाउडर फॉर्म है तो ये 4 से 6 ग्राम जितना ले सकते हैं। देन अगर काढ़ा है, डिकॉक्शन, कषाय है तो यहाँ पे 40 से 60 ml जितना ले सकते हैं। ये एक क्लाइंबर ग्रोविंग आरोही प्लांट है, जिसके लीफ है ये कार्डियक शेप के रहते, हार्ट की तरह देखने को मिलता है। देन इसके फ्लावर है ये ग्रीनिश येल्लोइश कलर के देखने को मिलते हैं और वो ऐसे क्लस्टर फॉर्म में देखने को मिलते हैं। कुछ सिनोनिम्स देखें तो इसको शाक श्रेष्ठ बोला है, ये यहाँ पे गुड वेजिटेबल्स है, ये चक्षुष्य है, इम्प्रूव विजन हमारी आंखों के लिए बहुत ही अच्छा रहता है। देन अर्क पुष्पी भी बोलते हैं इसको, क्योंकि इसके जो फ्लावर है ये जो अर्क रहता है उसके फ्लावर की तरह देखने को मिलता है। देन यहाँ पे मधुश्वास, इसके जो एक्सुडेट है इसका जो यहाँ पे टेस्ट है ये स्वीट होता है। जीवंती है ये यहाँ पे फीवर की कंडीशन है, बुखार की कंडीशन है। देन मूत्र व संस्थान जो यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन है उसका संक्रमण की कंडीशन में भी दिया जाता है। देन इम्प्रूविंग आई विजन, ये हमारी आंखों की रोशनी को बढ़ाता है। इसके अलावा देखिए तो ये बर्निंग सेंसेशन, हमारे शरीर में दाह रहती है जो जलन रहती है उसको दूर करता है। प्रमोट फिटनेस, फिटनेस को बरकरार रखता है। यहाँ पे इसका एक क्लासिकल रेफरेंस देखे तो जो भाव प्रकाश है उसका एक श्लोका है, जीवंती शीतला स्वादु स्निग्धा दोष त्रयापहा रसायनी बल करी चक्षुष्या ग्राहिणी लघु। जो जीवंती है इसकी कोल्ड पोटेंसी है, स्वीट इन टेस्ट मधुर इसका स्वाद रहता है, लाइट टू डाइजेस्ट सरलता से पचता है। आगे देखे तो ये बल करी, मतलब कि जो बल है हमारा शरीर का स्ट्रेंथ है उसको बढ़ाता है। चक्षुष्या, ये हमारी आँख के लिए अच्छा रहता है। देन ग्राहिणी, जो अतिशार की कंडीशन है, डायरिया है तो इसमें इसका यूज़ कर सकते हैं। देन ये रसायन है। आगे बात करें तो ये त्रिदोष शामक है, जो स्पेसिफिकली ये वात और पित्त दोष है इसको कम करता है। के कुछ थेरापिटिक इंडिकेशन देखें तो जो नक्तांध्य की कंडीशन है, जहाँ पे नाइट ब्लाइंडनेस रात्रि काल में दिखना बंद हो जाता है, तो उस कंडीशन में यहाँ पे जो पत्ते रहते हैं, लीव्स रहते हैं, इसको घी के साथ फ्राई करना रहता है और बाद में उसका यूज़ करना रहता है। देन व्रण की कंडीशन है, वुंड की कंडीशन है, कोई जख्म है आपको तो इसके जो पत्ते हैं इसके पेस्ट को आप वहाँ पर लगा सकते हो। आगे बात करें तो ब्रेस्ट मिल्क अगर नहीं आ रहा किसी महिला को तो यहाँ पे लीफ और रूट के पाउडर को यहाँ गोदुग्ध के साथ ले सकते हैं। अगेन आपको यहाँ पे बता दें, जीवंती है ये श्रेष्ठ शाक के वर्ग में आती है, इस वजह से इसका शाक के तौर पे भी यूज़ करना ही फायदेमंद रहेगा। आई होप आपको इस वीडियो से कुछ जानने को मिला होगा। धन्यवाद।